कि राइट एंकल और राइट नी ये एक लाइन में है ऐसे, बहुत आगे मत रख दीजिएगा ऐसे और बहुत पीछे मत रख दीजिएगा ऐसे। पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना परेशानी का सबब बन जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होती है वो आपकी पेशाब की थैली पर धीरे धीरे दबाव डालती है और अगर ये समस्याएँ बढ़ गई तो कभी कभी पेशाब का निकल पाना भी बड़ा मुश्किल होता है और उस दर्द को बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और अगर ये समस्या बहुत लंबे टाइम तक बनी रही और इसका कोई इलाज नहीं हुआ तो आगे चलकर ये प्रोस्टेट के कैंसर का भी सबब बन सकती है। अब ये समस्याएं पहले तो 60, 70, 80 की उम्र में देखने के लिए मिलता था लेकिन आजकल चूंकि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल और एक्सेसिव स्ट्रेस कि ये समस्याएं 40 से 50 की उम्र में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इन हार्मोन्स को बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएशन, एक्सेसिव स्ट्रेस, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको डेफिनेटली योग का अभ्यास करना चाहिए और योग का अभ्यास जितनी जल्दी उम्र में करना शुरू कर दें उतना ही ज़्यादा आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है सिर्फ उन्हीं को ये अभ्यास करना चाहिए बल्कि हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसको योग का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, अब इन योग अभ्यासों को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से ये सीक्वेंस डिज़ाइन किया है कि हर वो इंसान जिसने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, जिसकी बॉडी स्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा योग का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख के बड़ी आसानी से कर लें और साथ ही जो सीनियर सिटीजन से ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा बॉडी को मूव नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके की योग आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, वो भी इन सारे आसनों को आसानी से कर लेंगे। आप अगर चैनल में नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और ये वीडियो और मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम जिस योगासन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है बद्ध कोण आसन। इस आसन को करने के लिए आपको दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा, जॉइन सोल ऑफ योर फीट टुगेदर। अब दोनों हाथ की हथेलियों से इस तरीके से अपने पैर के पंजों को पकड़ना होगा। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी मेरे घुटने आपके फ्लोर से कितने ज़्यादा ऊपर की तरफ हैं। अब अगर इन्हीं दोनों हाथों को मैंने अपनी बॉडी के पीछे रखा है इस तरीके से, थोड़ा सा अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे सीधा किया तो ऑटोमेटिकली घुटने थोड़ा सा फ्लोर की तरफ जाएंगे। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आपका घुटना सिर्फ यहाँ तक पहुँच रहा है तो हो सकता है 19-20 का फर्क आ जाए। तो इस तरीके से आपने अपने दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ा और दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ा, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को लेंथन कीजिए, सीधा कीजिए और इस पोस्चर को कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसी तरीके से रोक के रखिए। इसका अभ्यास जब आप करते हैं तो आपको क्या होता है, इनर थाइस पर बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है, पेल्विक फ्लोर, आज की प्रैक्टिस सारे के सारे अभ्यास में आपके पूरे के पूरे पेल्विक रीजन पर बहुत अच्छा ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। तो इस तरीके से आप बैठ गए। अब इसके बाद इनमें मूवमेंट भी कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों पैर के पंजों को पकड़ा हुआ है और फ्लैप करेंगे अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे, जैसे तितली के पंख फ्लैप करते हैं ना उस तरीके से फड़फड़ाएंगे, कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से 20, 30, 50 जितने राउंड्स भी आप करना चाहते हैं कर लें, सांसें इसमें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। अब क्या करेंगे, दोनों पाम्स को इस तरीके से मैट पर रखें और मैट पर रखते हुए ज़रा साइड से देखिए, इसको आराम से ऐसे बैठे हुए हैं और दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें, धीरे 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 अब आगे ऐसे वॉक करें, 1, 2, 1, 2, जितना आगे जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी उतना ही तो आगे जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएं इस तरीके से। और ऐसा अभ्यास कम से कम 3, 5, 10 बार जितनी आप अभ्यास कर सकते हैं उतना करें, इससे बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी और साथ ही आप महसूस करेंगे पेल्विक रीजन पर कितना अच्छा एक्टिवेशन। तो जननांगों की अच्छी सेहत के लिए ये अभ्यास वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से बद्ध कोण आसन वॉक कर लिया, बद्ध कोण आसन में दोनों पैरों को ऐसे फ्लैप कर लिया, अब बद्ध कोण आसन में ही बैठे हुए अब ट्विस्ट कर रहे हैं,
तो आप बद्ध कोणासन वॉक करने के बाद अब बद्ध कोणासन ट्विस्ट करने के लिए दोनों पैर के पंजों को इसी तरीके से जोड़ा हुआ है। अपने राइट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इनर थाइस पर तो अच्छा दबाव पड़ रहा है, साथ ही ट्विस्टिंग का इफेक्ट आपकी बेली लोअर एब्डोमेन पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगी और लोअर बैक पर टेंशन को कम करेगी। तो राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखा और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रख के और ऐसे गर्दन को घुमा के ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेफ्ट पाम को राइट नी के ऊपर रखेंगे, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखेंगे और इस तरीके से पीछे देखेंगे ऐसे। अब जरा थोड़ा सा साइड से भी देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोनों पैर के पंजों को ऐसे जोड़ के रखा है, जितना हो सके एड़ी को अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक रीजन के और पास में लेके आए और ऐसे राइट पाम को बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट पाम को ऐसे अपने घुटने के ऊपर रखा और चेहरे को घुमा दिया अपने राइट शोल्डर की तरफ और पीछे देख रहे हैं ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे, थोड़ा ज़्यादा देर तक रोके, कम से कम 30 सेकेंड या 15 सेकेंड तक ऐसे रोक के रखे। फिर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अभ्यास करें, दूसरी तरफ भी जब लेफ्ट पाम को ऐसे बॉडी के पीछे लेके जाएं और पाम को मजबूती से रखें, ऐसे उंगलियां ना रखें, ऐसे पीछे देखें ऐसे ऐसे। तो इसका अभ्यास जब हो जाए तो आप फिर उसके बाद दोनों पैरों को रेस्ट कर दें। अब बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसे जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो ऐसे पैर के पंजों को जोड़ लें, तो क्या करें आप, आराम से क्रॉस लेग पोजीशन पे ऐसे बैठ जाएं। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठकर भी इस तरीके से सुखासन हो गया इसका नाम और ये हो गया स्पाइनल ट्विस्ट, ऐसे पीछे देखें। तो इसका भी दबाव जो है हमारी लोअर एब्डोमेन पर पड़ेगा, ऐसे पीछे देखें। तो इसका अभ्यास आपको कितनी बार करना है, कम से कम 3 बार 5 बार या 7 बार इसका अभ्यास कर लें। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो हर दिन जब आप सुबह 7 बजे मेरे साथ अभ्यास करते हैं तो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आप डेवलप करते हैं, जो डिसिप्लिन आप थ्रू आउट द लाइफ फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो शारीरिक मानसिक हर तरीके के तनाव से आप दूर रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। साथ ही अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन से हैं तो उससे उभरने में भी योग अभ्यास आपको मदद कर सकता है। आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ साथ योग अभ्यास भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको डबल बेनिफिट हो, आप जल्दी से उन हेल्थ कंडीशन से उभर सके। आप जब इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करते हैं ना तो आपको हर एक योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्लिंजिंग टेक्निक और भी बहुत सी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। चूंकि ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से कंडक्ट होती हैं तो इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, उनको उनकी हेल्थ कंडीशन जैसे PCOD, PCOS की समस्या, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी की समस्या, जॉइंट्स में पेन रहता है, बहुत स्ट्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन की समस्या है, तो इनसे उभरने में बहुत मदद मिलती है और बहुत से स्टूडेंट्स को लाभ भी मिला है। अब अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे या जूम की मदद से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं आप, तो आप मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है, ये कोर्स जो है प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स है और भी बहुत से अपकमिंग कोर्सेज जो हैं डेवलप हो रहे हैं। इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी वक्त आप ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार आपको पेमेंट करने के बाद पूरे साल का एक्सेस मिल जाता है और इन कोर्स को आप जब पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ ही अगर आप वेबसाइट नहीं विज़िट करना चाहते हैं तो नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर है इसमें बस एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दें और आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल मेरी टीम के द्वारा भेज दी जाएगी। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अश्व संचालन आसन। इसके लिए आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं सबसे पहले। तो वज्रासन में अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो वज्रासन को अवॉइड कर दें और डायरेक्टली यहीं से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं। इस तरीके से दोनों पाम्स को मैट पर रखा
और दोनों घुटनों के बीच में कम से कम आपके हिप जितना फासला है, दोनों पाम्स को ऐसे आपने मैट पर रख लिया, बहुत आगे ऐसे मत रखिएगा, ऐसे तो कंधे के जस्ट एग्जैक्टली नीचे आपकी रिस्ट है और सामने देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने राइट पैर को दोनों पाम्स के बीच में लेके आ रही हूँ ऐसे। तो आप देखें कि राइट एंकल और राइट नी ये एक लाइन में है ऐसे, बहुत आगे मत रख दीजिएगा ऐसे और बहुत पीछे मत रख दीजिएगा ऐसे, ये गलती मत कीजिएगा। तो आप अपने पाम को, दोनों पाम्स को मैट पर रखें। अब क्या करें, धीरे से अपने लेफ्ट पैर के घुटने को थोड़ा सा ऐसे पीछे स्लाइड कर दें ऐसे और सामने देखें। और इसमें क्या करेंगे, आप अपनी हिप को नीचे की तरफ ऐसे पुश करेंगे, सांसें लेते और छोड़ते रहिए और इस पोस्चर को कम से कम एक मिनट तक होल्ड करके रखिए। एक मिनट ना हो होल्ड कर पाएँ तो 30 सेकेंड शुरुआत में करें और 30 सेकेंड ना होल्ड कर पाएँ तो 15 सेकेंड से शुरुआत कीजिए और ऐसे सामने देखिए, हिप को नीचे पुश करते रहिए और लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे को ऐसे पीछे की तरफ, बिग टो आउट, ऐसे ऐसे टक ना कीजिएगा, ऐसे बिग टो आउट और लेफ्ट घुटने को मैट पर रखिए, सामने देखिए। तो ये हो गया अश्व संचालनासन राइट पैर से। फिर इसी पॉस्चर का अभ्यास लेफ्ट पैर से करेंगे। तो अब वापस से हम टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए हैं और लेफ्ट पैर को, लेफ्ट फुट दोनों पाम्स के बीच में है और हिप को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे पुश करेंगे, यानी ऐसे होल्ड करके ना रखिएगा, ऐसे सामने की तरफ ऐसे हिप को पुश कीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पैर है वो दोनों हथेलियों के ऐसे बीच में हो, आगे ना रखिएगा ऐसे और ना ही पीछे रखिएगा। तो ऐसे सामने देखिए और घुटने को जितना हो सके पीछे लेके जाइए और राइट पैर का बड़ा अंगूठा आउट और ऐसे सामने देखेंगे और हिप को ऐसे, ये हिप पूरी की पूरी हिप को नीचे पुश करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा हिप फ्लेक्सर्स, आपके पूरे के पूरे हिप जॉइंट्स और पेल्विक रीजन पर कितना अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है इसको ध्यान दें और सामने देखें। इसको भी कम से कम आप 3 सेट कर लें, यानी अभी मैंने एक बार राइट एक बार लेफ्ट से किया, फिर राइट और लेफ्ट, फिर राइट और लेफ्ट, तो ऐसे 3 सेट कर लें और हर एक बार कम से कम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड तक इस पोस्चर को रोक के रखें। अब आराम से अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, अपनी एड़ी पर बैठे ऐसे और दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे दूर करते हुए अपने दोनों पाम्स को ऐसे स्लाइड करके और ऐसे हेड डाउन कर दें, रेस्ट करें। अगला अभ्यास जो कर रहे हैं इसका नाम है सलंब भुजंग आसन या बेबी कोबरा। तो आराम से अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। कोबरा पोज वैसे भी आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड परेशानियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। दोनों पैर की एड़ियों को जोड़ा ऐसे और दोनों पाम्स को ऐसे बॉडी के साइड में रख लिया ऐसे। अब ध्यान दीजिए एक चीज, बिग टो ऐसे आउट है, पैर की एड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, बड़े अंगूठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी हिप्स पर अच्छी तरीके से स्किन को इंगेज रखिएगा। अब जहाँ पर आपने पाम्स रखा है, अपनी हथेली को रखा है छाती के साइड में, वहीं पर आप अपनी एल्बो रख दीजिए ऐसे। बहुत से लोग भुजंग आसन करने में बड़ा ही चैलेंज महसूस करते हैं, उनके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। अपनी एल्बो रख दिया जहाँ पर हथेली रखी थी ऐसे और आराम से अपने हेड को ड्रॉप कर दें। सांस लेते हुए एड़ी को जोड़े रहिए, सांस लेते हुए अपनी एल्बो के सहारे ऐसे जितना हो सके छत की तरफ देखें इस तरीके से, तो आपकी लोअर एब्डोमेन पर अच्छा इसका दबाव पड़ रहा है। सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन, सांस ले लें, पोस्चर को रोक के रखें कम से कम 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 हेड डाउन। अब सांस ले लें। अब अगर पोस्चर को आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोक रहे हैं तो सांस नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। जब आप पोस्चर को ज्यादा देर तक रोकें तो सांस लेते छोड़ते रहें और फिर उसके बाद हेड ड्रॉप कर दें
और रेस्ट करें मकर आसन में, दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें। तो इस पॉस्चर को भी आप 3 सेट या 5 सेट कर लें और हर एक सेट में कम से कम 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पॉस्चर को रोकें। ज़्यादा रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मकर आसन में रेस्ट करें। अब जो अगला अभ्यास हम कर रहे हैं वो आप पीठ के बल लेटकर करेंगे। आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा करते हुए आराम से लेट गए हैं। अब अभ्यास कर रहे हैं सुप्त पाद अंगुष्ठासन का। किस तरीके से, अपने दाहिने हाथ से, राइट पाम से अपने राइट पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ लें, ऐसे ऐसे। अब धीरे 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 धीरे, हो सकता है आपकी ये हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स बड़ी स्टिफ हो, टाइट हो, तो जितना खुले पैर उतना खोलें और इस तरीके से छत की तरफ देखें। लेफ्ट पाम को अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखें और यहाँ पर इस पॉस्चर को कम से कम 1 मिनट तक रोकें यहीं पर। और अगर पैर सीधा हो सकता है तो पैर को सीधा कर लें, अगर सीधा नहीं हो रहा है तो ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें और छत की तरफ देखें। ऐसे सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को अपने घुटने की तरफ लेके आए, ऐसे जहाँ तक पहुँच सके। फिर उसके बाद सांस ले लें और हेड ड्रॉप कर दें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस को रोक के रखें, फिर सांस ले लें, हेड ड्रॉप कर दें। तो एक तो हुआ कि हमने पॉस्चर पे गए, अपने बड़े अंगूठे को पकड़ा और पॉस्चर को रोक के रखा 1 मिनट तक। फिर उसके बाद हेड अप करेंगे घुटने की तरफ जाके, इसको भी 3 बार अभ्यास कर लेंगे। अब बहुत से लोगों के लिए चैलेंज होगा कि ये घुटना तो अब बेंड हो रहा है, अपने बड़े अंगूठे को पकड़ के नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप इस केस में कोई भी टाई हो, बेल्ट हो, योगा स्ट्रैप हो, उसका अभ्यास लेके कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक योगा स्ट्रैप है। अब सुप्त पादंगुष्ठासन करने के लिए आप इस तरीके से योगा स्ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कंप्लीट बिगनर हैं, जिनको पैर सीधा करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आराम से ऐसे योगा मैट पर लेट जाएं, अपने पैर को इस तरीके से फंसा लें। मैंने काफ़ी गैप दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि गैप आप अपने हिसाब से रखें। तो अगर इतने गैप में आपका पैर उठ रहा है तो इसको इस तरीके से करें। कोशिश करें कि एल्बो सीधी रहे, तो आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऐसे, अगर पैर इतना भी आ रहा है कोई बात नहीं, आपकी स्टिफनेस के हिसाब से, और इसको अपने राइट पैर को सीलिंग की तरफ ऐसे उठा के रखें। ऐसे अगर घुटना इतना खुले इतना खोले, इतना खुला उतना खोले, जितना खुल सके उतना खोले। अब अगर सर को नहीं ले जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, यहीं पर होल्ड करके रखें कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक, जितना हो सके इसको अपने बड़े अंगूठे को अपने सर की तरफ ऐसे खींच के रखें। फिर उसके बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ लेके आए ऐसे, और फिर इसके बाद हेड ड्रॉप कर दें। और यही अभ्यास हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट की तरफ से। तो राइट पाम को अब हम अपने अपनी थाई पर, राइट थाई पर रख देंगे। अपने पैर को सीधा किया, अगर सीधा हो सकता है तो, बेंड है तो बेंड रखेंगे। यहाँ पर इस पॉस्चर को 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोक के रखेंगे और फिर उसके बाद रोकने के बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सांस ले लेंगे, हेड ड्रॉप। सांस लें, सांस छोड़ें और फिर सांस ले लें, हेड को ड्रॉप कर दें। तो ये सारे अभ्यास आप आराम से करने के बाद शवासन में ज़रूर लेटें, कम से कम 5 से 10 मिनट। कैसे, दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लें, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें और आराम से लेट जाएं। फिर उसके बाद आराम से अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। अब हमने ये आसनों का अभ्यास कर लिया मानसिक तनाव को कम करने के लिए। आपको प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा प्राणायाम बता रही हूँ जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप मिनिमम, जब वक्त ना हो तो कम, 9 राउंड कर लें, मैक्सिमम जितना आपका मर्जी हो, कम से कम 10 से 15 मिनट तो अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप किस तरीके से करेंगे, अपने राइट पाम से विष्णु मुद्रा लगाएं, ऐसे अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें, 1 2
थ्री फोर, और इसको राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ दें। जितनी सांस लें उससे जस्ट डबल सांस छोड़ें। सांस लें अपनी राइट से और सांस छोड़ दें अपनी लेफ्ट से। धीरे धीरे सांस लें अपनी राइट से, लेफ्ट से, और सांस छोड़ दें अपनी राइट से। फिर सांस लें अपनी राइट से और सांस छोड़ दें अपनी लेफ्ट से। सांस ले लें अपनी लेफ्ट से और सांस छोड़ दें अपनी राइट से। सांस ले लें अपनी राइट से और सांस छोड़ दें अपनी लेफ्ट से। अब अपने हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें और आराम से इसी पोजीशन पे बिना शरीर को हिलाए डुलाए कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 मिनट बैठें। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, सांसों को वॉच करें, सांसों को देखें आता जाता। मेडिटेशन आपके मानसिक तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से मैंने आपको ये सारे योगासन करना बताया। आई एम श्योर एंड आई होप कि आपको ये सारी प्रैक्टिसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, आप ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना खूब ध्यान रखिएगा। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।